नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो ओलंपिक में इतिहास रच लौटी झारखंड की बेटियां। टोक्यो से लौटी सलीमा टेट और निक्की प्रधान के स्वागत में एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया रिसीव। टोक्यो ओलंपिक में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाकर झारखंड की बेटियों और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेट रांची लौट आई है। बुधवार दोपहर 1:20 पर वह रांची एयरपोर्ट से बाहर निकली। यहां उनकी जो है अगवानी में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन पहले से मौजूद थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर दोनों को रिसीव किया। मंत्री के साथ दोनों खिलाड़ियों के परिजन भी मौजूद थे। वहां अपनी बेटियों के स्वागत में पूरा शहर जो है एयरपोर्ट पर उमड़ा था। हाथों में तिरंगा थामे लोग 10 बजे से ही एयरपोर्ट पहुंचने लगे थे। ये बेसब्री से उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। उनके बाहर निकलते ही लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे, जो इंडियन महिला हॉकी टीम ने पहली बार टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हुई है। ओलंपिक जो है बेटियों ने एयरपोर्ट से बाहर निकल कहा कि झारखंड सरकार और झारखंड वासियों को थैंक यू इस भव्य स्वागत के लिए। उन्होंने कहा कि जो है स्वागत देकर बहुत खुश हूं, मेडल नहीं जीतने का अफसोस है। कोशिश करूंगी कि अगले ओलंपिक में देश को मेडल दिलाऊं, इसके लिए और कठिन मेहनत करूंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में फिर से डराने लगा कोरोना। 23 दिन बाद 24 घंटे में 17 नए संक्रमित मिले। एक्सपर्ट ने कहा कि इसे तीसरी लहर का संकेत समझ सकते हैं। रांची में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या डराने लगा है। पिछले 20 दिनों से औसताना रोज 5 नए मरीज मिलने का आंकड़ा 23 दिन बाद अचानक पिछले 24 घंटे में 17 मरीज पर पहुंच गया है। वही पिछले 24 घंटे में रांची में मात्र 8 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही केवल रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 60 हो गई है। रिम्स के टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर दिवेश कुमार ने कहा है कि लंबे समय के बाद एक साथ 17 पॉजिटिव मामला मिलना गंभीर बात है। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह तीसरी लहर है, लेकिन जिस तरह दूसरे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं उससे इसे तीसरी लहर का संकेत समझा जा सकता है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं, इसमें केवल रांची के 17 हैं। इसके अलावा रामगढ़ में 5, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, पाकुड़ में 2-2 नए मरीज मिले हैं। वही इस दौरान जो 28 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इस दौरान राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हाथियों का उत्पात। मॉर्निंग वॉक पर निकले दो व्यक्तियों को हाथी ने कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। झुंड से बिछड़कर लोग की ले रहा है जान। रांची के बुढ़मू में सुबह सुबह एक जंगली हाथी ने दो लोगों की जान ले ली है। मॉर्निंग वॉक पर निकले 55 वर्षीय शंभुनाथ नायक, 45 वर्षीय मनीष साहू को हाथी ने कुचल दिया है। दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। घटना की जानकारी वन विभाग और बुढ़मू प्रशासन को दे दी गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नवीन कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी भी हाथी को नहीं पकड़ा गया है। उसे आखिरी बार उमेडंडा पंचायत के कंडेर स्थित मुख्य सड़क किनारे देखा गया है। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ने के बाद रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। यह 5 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है। क्षेत्र के लोग इस कारण दहशत में हैं। लोग काफी डरे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन। जैक लेगी 12वीं की परीक्षा, रिजल्ट पर नहीं लगेगा कंपार्टमेंटल का ठप्पा। इंटर में फेल छात्र छात्राओं के लिए झारखंड एकेडमी काउंसलिंग जैक जल्द ही कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करेगी। इस परीक्षा का परिणाम भी जल्द जारी किया जाएगा। इस परीक्षा से छात्रों के रिजल्ट पर कंपार्टमेंटल का ठप्पा नहीं लगेगा। यह आश्वासन जैक अध्यक्ष अरविंद सिंह ने भाजपा विधायकों के प्रतिमंडल को दिया है। धनबाद समेत राज्य के अन्य जिलों में इंटर की परीक्षा में फेल छात्र छात्राओं के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह, विधायक राजीव सिन्हा और प्रदेश भाजपा के महामंत्री प्रदीप वर्मा जैक चेयरमैन से मिलने पहुंचे थे। विधायकों ने जैक चेयरमैन को छात्रों की परेशानी बताते हुए कहा है कि इसका समाधान करना जरूरी है। विधायक राजीव सिन्हा ने बताया कि जैक चेयरमैन को छात्रों और उनके अभिभावकों की परेशानी बताई गई है। जैक की गलती के कारण ही इतनी संख्या में विद्यार्थी फेल हुए हैं। जैक चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि कंपार्टमेंटल परीक्षा देने वाले छात्रों के सर्टिफिकेट पर असर नहीं पड़ेगा, उन्हें एक ही रिजल्ट दिया जाएगा और उसमें कंपार्टमेंटल का उल्लेख नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग की संभावना, बारिश में बिजली गुल हो, 30 नंबर पर करे शिकायत, सब स्टेशनों में तैनात रहेगी टीम। अगले 3 दिन तक राजधानी में तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे बिजली गुल होने की समस्याएं बढ़ेगी। इसे देखते हुए बिजली वितरण निगम ने पुख्ता तैयारी की है। रांची के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने सभी क्षेत्र के कनिक अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता तक को अलर्ट किया है। वे देर रात में भी गड़बड़ियों को दूर कर बिजली बहाल कराएंगे। आम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9431135682 जारी किया गया है। यह 24 घंटे काम करेगा। लोग अपने क्षेत्र की समस्या इस पर भेजकर निगम को सूचना दे सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी के खाते से 63 लाख उड़ाने में जामताड़ा से 3 गिरफ्तार। 221 सिम का इस्तेमाल कर अपराध
विवाद को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त अशोक कुमार साहू के SBI के बचत खाते से साइबर ठगों ने 63,33,000 रुपये उड़ा लिए थे। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जामताड़ा पुलिस की मदद से नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहलीडी ग्राम से आरोपित जो है फूलचंद दास, दुलाल दास व अशोक दास को गिरफ्तार किया है। तीनों को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया चल रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कई दिनों से जामताड़ा में डेरा डाले हुए थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा के जिला कृषि पदाधिकारी सड़क हादसे में जख्मी। गोविंदपुर साहिबगंज में रोड पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से भेजे गए अस्पताल। जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया बुधवार को गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। बताया जाता है कि सबन गुड़िया खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे। इसी बीच कोयले से लदी जो है साइकिल को बचाने के दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दरअसल जो है जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया दुमका से जामताड़ा आ रहे थे। जैसे हुए जो है बिंदा पाथर थाना क्षेत्र स्थित जो है काला पाथर के पास पहुंचे, उनके सामने जो है कोयला लदी साइकिल आ गई। उसे बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो OBC के लिए मोदी सरकार ने उठाया ये कदम। लोकसभा से OBC आरक्षण संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। OBC आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े हैं। हालांकि इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े हैं। मत विभाजन के जरिए यह विधेयक सदन में पास हुआ है। यह बिल भारत के सभी राज्यों में राज्य सरकारों को OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। केंद्रीय जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस बिल को सदन में पेश किया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो माओवादियों के निशाने पर है सुरक्षा बल, टारगेट पर है छोटी छोटी टुकड़ियां, बचाव के लिए गाइडलाइन जारी। झारखंड में माओवादी प्रभाव वाले इलाके में सुरक्षा बलों पर खतरा बढ़ा है। हाल के दिनों में ID डायरेक्शनल बम समेत नई तकनीकों के इस्तेमाल ने माओवादियों को मजबूत किया है। सीधे मुकाबले के बजाय माओवादी ID के जरिए पुलिस को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। माओवादियों ने अपने प्रभाव वाले इलाके की घेराबंदी इस तरह से की है कि उस इलाके में पुलिस पैदल पगडंडी के सहारे भी पहुंचे तो उसे टारगेट किया जा सके। बीते 8 माह में ही चाईबासा में तकरीबन 2 दर्जन बार पुलिस बलों को निशाना बनाया गया है। मार्च महीने में लाजी में जगुआर के 3 कर्मी शहीद भी हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अधिकांश बार माओवादियों के द्वारा किए जाने वाले हमले की साजिश विफल कर दी है। वही हाल के दिनों में पुलिस मुख्यालय के स्तर से अभियान को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक अब हर नक्सल विरोधी अभियान में झारखंड जगुआर के बम डिस्पोजल स्क्वाड का होना अनिवार्य है। वही जवानों को हिदायत दी गई है कि अभियान के दौरान जब कच्ची सड़क या पगडंडियों से गुजरना हो तो वैसी जगहों से दूर रहें जहां कहीं मिट्टी खुदी हुई दिखे या गड्ढों को नया भरा गया जैसा दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में लूट की सूचना पर मची अफरा तफरी। ATM में अस्त व्यस्त स्थिति देख लोगों ने पुलिस को दी लूट की सूचना। जांच के बाद पता चला विचित्र युवक की थी हरकत। शहर के जो है धनसार थाना क्षेत्र स्थित जो है चांदमारी रोड में बुधवार को बैंक ऑफ इंडिया के ATM की अस्त व्यस्त स्थिति देख लूट की सूचना फैल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। पर जांच के दौरान पता चला कि मंगलवार की देर रात एक विक्षिप्त युवक ने ATM को अस्त व्यस्त कर दिया था। विक्षिप्त युवक ने ढेर सारा कचरा ATM में बिखेर दिया था। इधर लूट की सूचना गलत साबित होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड को जोड़ने वाले पुल को मंजूरी। ऐसे मजबूत होंगे सामाजिक आर्थिक रिश्ते। बिहार और झारखंड के बीच सामाजिक और आर्थिक रिश्ते को मजबूत व बेहतर बनाने के लिहाज से प्रस्तावित पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार ने जो निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी देते हुए साफ कर दिया है कि यह पुल 2024 तक बनकर तैयार होगा, जिसकी लागत 210 करोड़ रुपये से कुछ ज़्यादा होगी। बिहार राज्य जो है पुल निगम की जिम्मेदारी से यह 2 लेन का पुल बनेगा, जो झारखंड को राज्य से जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ के लोग के आवागमन में भी मददगार साबित होगा। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में 6 अहम प्रस्ताव पर मंजूरी दिए गए हैं, उनमें से एक बिहार झारखंड के बीच सोन नदी पर पुल के निर्माण का था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।